12वीं फेल के लिए फिल्मफेयर जीतने के बाद विक्रांत मैसी आईपीएस मनोज कुमार शर्मा से मिले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अभिनेता विक्रांत मैसी ने आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा से मुलाकात की और 12वीं फेल के पीछे की प्रेरणा के साथ जीत का जश्न मनाया। अभिनेता विक्रांत मैसी की फिल्मफेयर अवार्ड्स 2024 में हालिया जीत उनके लिए दो प्रमुख कारणों से विशेष महत्व रखती है। पहला, यह प्रतिष्ठित समारोह में उनकी पहली जीत है और दूसरा, उन्होंने मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत और विक्की कौशल जैसे आइकन पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का खिताब जीता। विधु विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल में उनके प्रदर्शन के लिए आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन और संघर्षों को दर्शाती इसी नाम की 2019 की पुस्तक पर आधारित 12वीं फेल को पिछले साल रिलीज होने पर व्यापक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से मैसी के नायक के चित्रण की प्रशंसा करते हुए। इस बीच रविवार को गुजरात में आयोजित समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मैसी ने 12वीं फेल के पीछे की प्रेरणा के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए शर्मा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर मैसी के साथ ब्लैक लेडी पकड़े हुए खुद की एक तस्वीर साझा करते हुए शर्मा ने कहा, जब एक मनोज दूसरे मनोज को दिखाने के लिए अपनी फिल्मफेयर ट्रॉफी लाता है तो उसके लिए प्यार बढ़ जाता है। उसी फोटो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए मैसी ने शर्मा को असली हीरो के रूप में संदर्भित किया। इससे पहले दिन में मैसी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक और तस्वीर साझा की थी जिसमें दिखाया गया था कि उन्होंने अपने घर के अंदर पूजा कक्ष में अपनी फिल्मफेयर ट्रॉफी रखी है। मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए ट्रॉफी अर्जित करने के अलावा 12वीं फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए भी पुरस्कार जीते।